अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस की सूचना मिलती रहे। और आज हम ICICI बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, हम ईयर ऑन ईयर भी बताएंगे और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बताएंगे, और क्या करना चाहिए वो भी हम बताएंगे इस स्टॉक में, इस बैंक में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक जो है नो डाउट सभी लोग परिचित हैं, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। और प्राइवेट बैंक है, अपने बैंकिंग सेक्टर में ये तीसरे नंबर पे है, दिग्गज बैंक है, लार्ज कैप की बैंक है। और 26 जुलाई 2019 को जो इसका इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी 415 रुपये पे बंद हुआ था, BSE पे 6 रुपये 45 पैसे की बढ़त के हिसाब से। और जो इसका साल का लो था 282 और हाई था 443, तो अपने हाई से काफ़ी ऊपर है, इसका भी कारण है। अगर हम चार्ट में जाते हैं तो देखिए पैटर्न ठीक ही दिख रहा है इसमें। और यहाँ पे अगर हम चलिए हम दूसरे साइड पे देख लेते हैं इनके पी वगैरह। देखिए पी रेशियो है 63.03 का, EPS है अर्निंग पर शेयर 6.59, प्राइस टू बुक है 2.41 और डिलीवरेबल है 58.56%। और जो साल के अभी रिटर्न है इसमें 51%, मतलब एक साल में ये 51% के पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। और 6 महीने पहले जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको भी 16 सवा 16 साढ़े 16% के आसपास के उनको पॉजिटिव में रिटर्न मिल रहे हैं एक दिग्गज बैंक में, ICICI बैंक लिमिटेड में। मार्केट कैप इसकी 268,286 करोड़, एक लार्ज कैप के कैपिटल कम बैंक है। और लिस्टिंग इसकी हुई थी 6 जुलाई 2007 को, और वॉल्यूम ट्रेडेड भी ज़बरदस्त हुए 1,74,00,000 के आसपास। तो फ्रेंड्स अब इसमें क्या करना चाहिए, देखिए दो चीज़ें हैं। बैंक में अगर सुधार आ रहा है, बैंक में अगर उसका NPA कम हो रहा है, तो किसी न किसी कारणवश, जैसे कि अभी पिछले कई कुछ 1-2 साल से 3 साल से जो हर बैंक में आपको बैड लोन की स्थिति दिखती थी, उनका NPA बढ़ता था। हालांकि सरकारी कंपनियों का तो ज़्यादा बुरा हाल था, प्राइवेट तो फिर भी थोड़ा सा मैनेजेबल थी। और जैसे कि यस बैंक में भी देखा, और ICICI बैंक भी कॉरपोरेट बैंकिंग में ज़्यादातर है, तो अभी थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ। जैसे कि मैं ईयर ऑन ईयर इसके रिजल्ट्स देख रहा हूँ, देखिए जो इनकी इंटरेस्ट अर्निंग हुई है जून 2018 से, अगर हम जून 2019 साल दर साल अगर हम कंपेयर करते हैं, तो जहाँ जून 2018 में 14,722 करोड़ की इनकी कमाई थी, ब्याज से रेवेन्यू आया था, वो जून 2019 में हो गया 17,980, यानी कि 22% की अपसाइड, एक शानदार। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ 8.27 की अपसाइड है। और देखिए NPA इनका जो है, जहाँ जून 2018 में था 4.67%, वहीं सीधे हो गया 1.98%, यानी काफ़ी कम हुआ, आधा आधे से भी ज़्यादा हो चुका है। और इसी प्रकार इनका जो नेट प्रॉफिट था जून 2018 में, लॉस में इन्होंने दिखाया था 119 करोड़ का, वहीं सीधे जून 2019 में हो गया है 1908 करोड़ सीधे प्रॉफिट, यानी कि 1700% के आसपास। आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त ईयर ऑन ईयर उछाल है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हुए। अब हुआ क्या है कि कुछ जो बैंकें थी अब सुधर रही हैं, उसका कारण यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से नया कानून लाना, कि जो लेंडर्स हैं अगर वो भाग सकते नहीं बैंकों का पैसा लेके, अगर पैसे ले रहे हैं तो उनको चुकाना ही पड़ेगा, अगर नहीं चुका पा रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जा रही है। तो इस वजह से बैंकों को थोड़ा सा बल मिला है, कॉन्फिडेंस मिला है, चाहे RBI की तरफ से हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो। तो ये भी एक कारण रहा है कि बैंकों में थोड़ा सा परिवर्तन तो मुझे देखने को मिल रहा है। अगर आप सहमत हों, या ये तो मेरा पर्सनल व्यू है जो मैंने रियलाइज़ कर रहा हूँ मैं बैंकिंग सेक्टर में। और अगर हम मार्च 2019 से जून 2019 में कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे अगेन देखिए इंटरेस्ट अर्निंग में इनको 3.97% की अपसाइड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अपसाइड ही है, NPA क्वार्टरली भी कम हुआ है, और नेट प्रॉफिट में यहाँ पे जहाँ मार्च 2019 में था 969 करोड़ का, और वहीं जून 2019 में हो गया सीधे 1908 करोड़ का, यानी कि 97% के अपसाइड है, पॉजिटिव है, ज़बरदस्त है। तो बड़े ही शानदार रिटर्न रिजल्ट्स हैं ICICI बैंक के। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक आगे आने वाले समय में अगर इसी प्रकार लाभ में रही, प्रॉफिट में रही, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि साल दर साल अभी एक साल में 50% के आसपास का इस बैंक ने जो है रिटर्न बना के दिए हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर्स के पास जीरो, यानी कोई प्रमोटर्स नहीं, जो कुछ भी डिसाइड करता है बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। उनका सारा सारे लोगों का उनका डिसीजन होता है। सबसे जो ज़्यादा होल्डिंग है वो FIIs की है, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं फॉरेनर्स, तो 43% के आसपास उनकी होल्डिंग है। और हाइस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC है, 7.89% की है। अब आपको तो पता ही है कि LIC के पास कितना पैसा, अच्छा LIC क्या है, बहुत सारे बैंकों में बहुत सारी कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, तो अगर ऐसे बैंक्स में या ऐसे कमाऊ बैंक्स में अगर इन्वेस्ट करती तो ठीक है, लेकिन LIC के पास ज़बरदस्त पैसा आता है प्रीमियम के माध्यम से, कस्टमर्स के माध्यम से, उनके पॉलिसी के माध्यम से। इसको तो कोई बिस्किट या कोई ऐसा बना के अचार बेचना पड़ता नहीं है, तो बहुत पैसा LIC के पास, और नो डाउट ऐसे अगर कंपनियों में पैसा लगाएगी तो इसको भी काफ़ी कमाई होती है। इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं 7.49% हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी आगे बैंक आने वाले समय में काफ़ी अच्छा कर सकती है, तो इसमें भी रिटर्न अच्छा मिल सकता है। देखिए डिविडेंड पे किया था इन्होंने ₹1 पर शेयर के हिसाब से 22 जुलाई यानी इसी मंथ में 2019 को, और ट्रेजरीज 38 की है, रिटेल बैंकिंग 37 की, और होलसेल बैंकिंग कॉरपोरेट बैंकिंग अभी थोड़ा सा कम हो गई है पहले के मुकाबले, ये एक अच्छी बात है। तो रिटेल बैंकिंग और से काफ़ी अच्छा इनको रेवेन्यू है, और बाकी तो हम चीज़ें देख ही चुके हैं। अगर हम रिटर्न्स देखते हैं इनके 10 सालों में क्या रहे हैं, तो अब जो है 10 सालों में रिटर्न दिखा रहे हैं 198% के आसपास के, और 5 सालों में 54, 4 सालों में 52, 3 ईयर्स में 74, 2 साल में 33%, 1 साल में 45%, ईयर टिल डेट में 15% के आसपास, 6 मंथ में 16% के आसपास, 3 मंथ्स में 2% के आसपास, जिन्होंने 1 महीने पैसे लगाए उनको 5.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन 1 वीक 1 डे में भी पॉजिटिव में रिटर्न है। तो अगर ये बैंक में अगर जो लोग एग्जिस्टिंग हैं, जो लोगों ने पैसे 1 साल पहले लगाए होंगे, तो अब उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा है, या जो अब लगाना चाहते हैं तो नो डाउट रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो थोड़ी सी बाइंग तो की जा सकती है ICICI बैंक पे भी। लेकिन जो लोग इच्छुक हो, मैंने कई बैंक्स पे लगातार वीडियोस बनाए हैं, चाहे IDFC फर्स्ट बैंक रहा हो, अभी उनमें उतना पोटेंशियल नहीं है, उनके रिजल्ट्स उस प्रकार से नहीं आ रहे हैं, अभी भी वो प्रोविजनिंग की है उन्होंने लॉस में। बंधन बैंक एक अच्छी बैंक है, उसका उसके बारे में मैंने बताया, वो भी काफ़ी गिरावट पे, और भी कितने नीचे जा सकता है ये भी हमें ध्यान रखना होगा। HDFC बैंक के भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, थोड़ा सा उनका NPA इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, वो अभी स्प्लिट भी होने वाले हैं और डिविडेंड भी अच्छा पे करते हैं, तो वो भी एक अच्छी दिग्गज बैंक है, उसमें कोई दो राय नहीं। इस प्रकार से अभी ये ICICI बैंक हो गई, तो ऐसे इंडसइंड बैंक के भी बारे में भी मैंने बताया था। तो जो बैंक में आपको अच्छे लगे उसके आप अपने पोर्टफोलियो में सम्मिलित करें, और पूरा पैसा कभी ना डालें, थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, क्योंकि समय समय पर गवर्नमेंट की तरफ से, RBI की तरफ से जब कुछ गाइडलाइंस आती हैं, तो इनके फेवर में अगर नहीं आती बैंकों की तरफ से तो चरमरा जाती है, टूट जाती है। तो ऐसे में हमें स्ट्रेटजी क्या बनाए रखना चाहिए कि अगर हम लंबे समय के निवेशक हैं, 3 साल 5 साल 10 साल, याद रखिए मैंने क्या कहा है कि 3 साल 5 साल 10 साल, लोग क्या करते हैं कि ले लिया उन्होंने कोई स्टॉक और एक क्वार्टर कुछ रिजल्ट्स ख़राब आ गए, तो काफ़ी अगर 10-15-20% टूट गया तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि नहीं, हमने तो आपके कहने के अनुसार हमने स्टॉक लिया था और ये देखिए अभी इतने घाटे में, लेकिन आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा कि मैं 3 साल 5 साल 10 साल के बारे में बता रहा हूँ। अगर 15% नीचे भी जाता है जाने दीजिए, आप SIP करिए ना, आप एवरेज करिए ना। तो इस तरीके से HDFC बैंक, बंधन बैंक या IDFC बैंक में भी कुछ लोग भरोसा कर सकते हैं। अभी मैंने इसलिए उसमें खुल के इसलिए नहीं कहा कि आप लीजिए, मैंने कहा थोड़े से ले लीजिए, क्योंकि वो भी जो ICICI बैंक आज से 2006-07 में जो प्राइस में 40-45-50-60-70-100 रुपए के आसपास घूम रहा था, ऊपर नीचे, वही IDFC फर्स्ट बैंक का आज भाव है 40-42-50-57 तक मैक्स गया हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर हम 10 सालों तक इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है कि वो भी ICICI बैंक HDFC बैंक जैसा रिटर्न दे, अगर 10 साल में 10 गुना भी कर देता तो बहुत बड़ी। हालांकि ICICI बैंक की रिटर्न उस हिसाब से अभी खास नहीं है, काफ़ी गिरावट इसमें आई है, लेकिन सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि हमें रिटर्न वाइज, रिटर्न कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि ICICI बैंक का मैं आपको बताता हूं कि आपके शेयर की क्वांटिटी भी तो बढ़ी है अगर प्राइस से आप करेंगे कन्वर्ट। तो मान लीजिए अगर हम मैक्सिमम पे जाते हैं चार्ट पे, मनी कंट्रोल की साइट पे अगर हम ICICI बैंक के चार्ट देख रहे हैं, तो इसमें स्प्लिट के माध्यम से जैसे फेस वैल्यू कम होती है, बोनस के माध्यम से आपके शेयर की क्वांटिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए ICICI बैंक ने स्प्लिट हुआ था 2014 में,
तो 10 की फेस वैल्यू से आ गया था 2 की फेस वैल्यू से, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर थे तो 500 हो गए, 600 हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, फिर इसने बोनस दिया अगर आपके पास, मतलब 10 में से एक शेयर दिया इन्होंने एक्स्ट्रा, अगर आपके पास 10 शेयर थे तो आपके 11 हो गए, आपके पास अगर 1000 शेयर्स थे तो 1100 शेयर्स हो गए। तो इस प्रकार से आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है शेयर्स की, और प्लस जो ये हर साल डिविडेंड लगा के रखा है टैक्स फ्री, जो आपके खाते में सीधे आता है, ये लाभांश कंपनी जो शेयर करती है, अगर इसको आप काउंट करेंगे 10 सालों में, साल में बेहतरीन डिविडेंड पे करती है, तो बहुत सारी क्वांटिटी होती है, तो डिविडेंड भी काफ़ी हो जाता है। तो ये भी कैलकुलेट करना चाहिए हमें अच्छी लार्ज कैप कंपनियों की, लार्ज कैप बैंक्स की। तो फ्रेंड्स, ICICI बैंक के रिजल्ट्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, और हाँ, मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि कोई भी शेयर खरीदने या बेचने से पहले आप अपने खुद की भी स्टडी करिए या अपने एक्सपर्ट की भी सलाह लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।